हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं हाउ टू चैनल। और रेडिट का तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूं मैं आपकी खिदमत में। पहले दो पार्ट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने रेडिट का अकाउंट कैसे बनाना है, उसे वेरीफाई कैसे करना है और कितने रेडिट के अकाउंट बनाने चाहिए। दूसरी वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने कमेंट कर्मा और पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आपको आई बटन में जाकर वो वीडियोस देख ले, क्योंकि तरतीब से मैंने एक कोर्स बनाया है, तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो आज जबकि तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने अपनी यूट्यूब की वीडियोज जो है वो रेडिट पर पोस्ट करनी है और कौन से सब रेडिट्स में हमें अपनी वीडियोज को पोस्ट करना चाहिए अपनी वीडियोज को वायरल करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे पास एक कम्युनिटी जो है वो इस टाइम ओपन है, जिसे हम आर वीडियोस कहते हैं, और आर वीडियोस जो है ठीक है वो रेडिट की सबसे बड़ी कम्युनिटी है वीडियोस के हवाले से। इसके बाद जो भी वीडियोस के हवाले से कम्युनिटीज आती हैं वो छोटी छोटी हैं, ठीक है, जो कि आप इधर देख सकते हैं रिलेटेड सब रेडिट्स, ठीक है। तो इसमें भी आप अपनी जो वीडियोज वगैरह वो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यूवर्स जो के हैं 17 मिलियन और समथिंग, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है ऑनलाइन जो लोग हैं ठीक है वो 36,000 है। तो इधर आप देख सकते हैं कि वीडियोस हमारे पास काफ़ी हैं। तो इस बंदे ने 9 घंटे में वीडियो अपलोड की है, तो इसको जो रेडिट से 9 घंटे में ट्रैफिक आई है वो है 17,000, यानी कि इसको 17,000 व्यूज़ आ गए हैं। अब आप यही सोचते होंगे कि यार इस वीडियो पर जब हम क्लिक करेंगे तो तब ही व्यूज़ बढ़ेंगे, नहीं। इधर से अगर हम आपको अपवोट देते हैं, अगर मैं इसे अपवोट देता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने अपवोट दिया है, तो इसको एक व्यू मिल गया। तो अगर मैं इसको डाउनवोट देता हूँ तो उसका जो व्यू होगा वो कम नहीं होगा, बल्कि उसे जो व्यू है वो मिल चुका है। तो इधर आप देख सकते हैं सेकंड वाले को कि इसने 12 घंटे हुए हैं वीडियो अपलोड की है और इससे 45,000 जो है वो ट्रैफिक इससे मिली है। तो मैं इधर से वीडियो भी एक दफ़ा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू टैब में, ताकि आपको पता चल जाए कि यार वाकई में जो है वो 45,000 व्यूज़ जो हैं वो इस वीडियो को मिले हैं। यही रेडिट का बेनिफिट है कि वो आपकी जो वीडियोज़ है अगर अच्छा कंटेंट होगा तो वो आपकी वीडियोज़ को वायरल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बंदे के अब 1 मिलियन जो है वो व्यूज़ हो चुके हैं, कि यानी 45,000 जो ट्रैफिक थी वो उसने रेडिट से गेन की है और उसके बाद जो उसकी वीडियो थी वो वायरल हुई है और उसको और भी व्यूज़ मिले हैं। उसके बाद इसने 16,000, इसने अभी 2900, तो हम देख लेते हैं इसके भी देख लेते हैं 2900 वाले के, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि रेडिट से हम कितनी ट्रैफिक जो है वो गेन कर सकते हैं। 34,000 व्यूज़ मिल चुके हैं और आप एक हैरानगी की बात देखें कि 2 सब्सक्राइबर है बंदे के, यानी कि इसने अपनी जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी रेडिट से हासिल की है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि यार बंदे के पास 2 सब्सक्राइबर है फिर भी इसने 34,000 जो व्यूज़ है वो गेन कर लिए। और आप ये भी देख सकते हैं 4 फेब को उसने ये वीडियो अपलोड किए थे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपका अगर कमेंट कर्मा और पोस्ट कर्मा 100 से अबव है तो आप तब ही आर वीडियोस में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर 10 से भी अबव है आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो 5-10 मिनट इस पर रहेगी आर वीडियोस पर, उसके बाद ये खुद ब खुद रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कमेंट कर्मा है और पोस्ट कर्मा है ठीक है वो अभी इंक्रीज नहीं। तो आप सबसे पहले अपना पोस्ट कर्मा और कमेंट कर्मा जो है वो इंक्रीज करें, उसके बाद ही आर वीडियोज में अपनी वीडियोज को जो है वो सबमिट करें और इतनी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर रूल्स को देख लें कि कभी भी रूल्स के बगैर जो है ठीक है वो जो है अपनी वीडियोस को शेयर ना करें। सबसे पहले रूल्स को रीड करें, अगर रूल्स के मुताबिक आपकी वीडियो नहीं होगी तो फिर भी आपकी जो वीडियो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम तो इधर हम देख लेते हैं रिलेटेड सब रेडिट्स। तो इधर आगे मैं आर अननोन वीडियोस पर क्लिक करता हूँ, ये भी आर वीडियोस का ही एक सब रेडिट है और इसमें भी आप जो है वो आसानी से वीडियोस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इसके आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर जो है वो 39,000 हैं ठीक है, और इस टाइम 58 जो वॉचर्स हैं यानी कि वॉच कर रहे हैं ये जो है सब रेडिट को। तो मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो हमने कैसे शेयर करनी है। तो सबसे पहले इधर ऐड आ अननोन वीडियो पर आपने क्लिक करना है, तो मैं इधर से अपनी कोई भी वीडियो जो है वो ले लेता हूँ। तो इधर से आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है अभी ओपन है, तो इधर से मैं अपना जो है
वो कोई भी जो वीडियो है ठीक है वो ले लेता हूँ, इधर से मैं ये कर लेता हूँ वीडियो YouTube चैनल सस्पेंड वाली, और इधर आके आपने URL जो है वो इधर पेस्ट करना है, और इधर से आपने जो है वो एक टाइटल अच्छा सा चूज़ करना है ताकि अगर कोई देखे तो उससे अट्रैक्टिव सा लगे, वो आपकी जो वीडियोस को है वो अपवर्ड्स ज़रूर देके जाए। और अपवर्ड्स का ये भी मतलब है कि आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, और दूसरा ये कि जो आपका कमेंट कर्मा और पोस्ट कर्मा है वो भी इंक्रीज होगा। अब मैंने लिख दिया YouTube चैनल सस्पेंड, तो इधर अब आप देख सकते हैं टाइटल में हमने व्यूज़ वगैरह भी जो है वो भी ऐड करने हैं, इस टाइम हमारी वीडियोज़ पर जो है वो व्यूज़ कितने आए हैं। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले, तो मैं इधर व्यूज़ जो है व्यूज़, और एक चीज़ और आपने सबसे पहले जो है वो रूल्स जो है इधर से आपने पढ़ लेने। अगर रूल्स के मुताबिक आप अपनी वीडियोस को सबमिट नहीं करोगे तो आपकी जो वीडियोस है वो रिमूव्ड हो जाएंगी, और आपका चैनल जो है वो भी बैन होने के ज़्यादा चांसेस है। इधर से आप पढ़ सकते हैं, एंड डू नॉट पोस्ट स्टोलन वीडियोस, चैनल्स डैट अपलोड स्टोलन कंटेंट विल बी परमानेंटली बैन। तो आप ये कह रहे रिव्यू रूल 8 नंबर जो रूल है वो आप रिव्यू कर सकते हो ठीक है, कि किसी का जो है वो कंटेंट आपने पोस्ट नहीं करना। तो इधर से आके जस्ट हमने जो है वो अब सबमिट करना है। तो इधर आप देख सकते हैं फ्लायर में आके हमने अपनी जो वीडियो की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, कि लर्निंग के हवाले से हमारी वीडियो है ठीक है। लर्निंग पर क्लिक करके इधर से जस्ट हमने सेव करना है। सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगा आर अननोन वीडियोज़ में, देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो वाकई में जो है ठीक है वो अपलोड हुई भी है कि नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो 7वें नंबर पर वीडियो है ठीक है वो आ चुकी है। तो इधर से जितने जो अपवोट्स मिलेंगे वो हमारी वीडियोस के यानी कि व्यूज़ बढ़ेंगे। तो अगर आपका कमेंट कर्मा और पोस्ट कर्मा इंक्रीज़ है ज़्यादा है तो आप आर वीडियोस में अपनी वीडियोस को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, और एक ही दिन में एक ही घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस वगैरह पोस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश हो या कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके कमेंट कर ज़रूर बताना कि अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत सा नहीं तो थोड़ा सा तो ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं जिनसे आपको होता है बहुत सा फ़ायदा। तो उम्मीद करता हूं एक नई वीडियो में होगी मुलाकात, अब तक के लिए चाहता हूं आपसे इजाज़त, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें और हमारी वीडियो सबसे पहले